हेलो बच्चों, आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ये पांचवा लेक्चर होगा और इसमें आज हमने जैसा आप देख रहे हैं लिखा हुआ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर टू है। ठीक है, ये चैप्टर बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न था हमारा, वो रीज़न ये कि इस चैप्टर से ही ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। मैक्सिमम टाइम्स इसी चैप्टर के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचा कर दूँ, बच्चों का आसान हो जाएगा काम। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको कॉस इनवर्स कॉस 13π/2, तो कॉस का जो रेंज होता है कॉस थीटा वो 0 to π के बीच होता है, लेकिन यहाँ 13π/2 यानी कि 2π से भी ज़्यादा है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6 लिखेंगे। कॉस 2π + π/6 क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस 5/6, यानी इसकी वैल्यू 5/6 हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आसान से हो गया। इसी तरह से टेन का जो रेंज होता है टेन थीटा, वो कहाँ होता है? -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो ये देखिए, ये π/2 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, ये पाई से भी बड़ी है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। टेन इनवर्स टेन पाई माइनस π + π/6। ये देखिए ज़रा, 10π + π/6 जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये भी वैल्यू क्या हो गया? 10 इनवर्स 10π + θ, सिर्फ 10θ होता है, यानी 10π/6 हो गया, यानी इसकी भी वैल्यू π/6 आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, हम हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा वैसे वैसे हम यूज़ करते रहेंगे। ये देखिए, 2 sin inverse 3/5 है, sin inverse 3/5 इक्वल टू हम x मान लेते हैं, क्या होगा बताइए? sin x की वैल्यू 3/5 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5, तो इन दोनों को सॉल्व करें तो बेस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? tan x हो जाएगा 4/3, और 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगा? tan inverse 3/4, यानी कि ये जो लिखा हुआ 2 sin inverse, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 tan inverse 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 tan inverse θ, ये होता है 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है, tan inverse 2x/1 - x² क्या हो जाएगा? tan inverse 2 × 3/4/1 - 3/4² ये कितना हो जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। tan inverse 2 × 4 यानी 3/2, ये 16 - 3 = 9/16, 2 × 8 = 16, 8 ऊपर चला जाएगा, 10 inverse 8 × 3 = 24, 16 - 9 = 7, ये तो RHS था, तो हमने LHS को लेके चला, ये LHS हमारा ये था, LHS से ये आ गया, फिर ये साइड टर्म्स आ गए। इस तरह से हमारे तीन क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो गए। आइए बाकी क्वेश्चन भी देखते हैं, आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें गिवन है sin inverse x + sin inverse y = tan inverse मिलाना है, तो मैं इन दोनों को ही tan में चेंज कर लेता हूँ। let sin inverse 8/17 = x, इससे sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/17, ये sin इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इससे आप बेस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ गया, तो इससे tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 8/15, यानी x की वैल्यू कितना हो गया? tan inverse 8/15, ठीक है। इसी तरह से दूसरा, let sin inverse 3/5 = y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? sin y जो हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इससे बेस की वैल्यू निकालेंगे 4, यानी tan x की वैल्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, 3/4, यानी कि इससे y है यहाँ पे,
इससे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स 3/4, ये हो गया। यानी कि मैं इस साइन इनवर्स 8/17 को क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स 8/15, और फिर इसे क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो आई थिंक अब इस पर रख दीजिए, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, बाकी आप पे छोड़ देता हूँ, वो खुद से कर लेना। टेन इनवर्स एक्स कितना, 8/15 प्लस 3/4 अपॉन वन माइनस 8/15 इंटू 3/4, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ ना कटवट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं कट करेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे वाले टर्म जो है ना एलसीएम में कट जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं कट करूँगा। 8 4 जै 32, और टेन इनवर्स 8 4 जै 32 प्लस 5 15 3 जै 45, 15 3 जै 45 अपॉन 15 4 जै 60, फिर टोटल के नीचे 15 4 जै 61 जै 60 माइनस 8 3 जै 24 अपॉन 60, ये 60 60 कट गया। अब आपका आंसर आ गया ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 77 अपॉन कितना 36, 60 माइनस 24 36 होगा, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। चलिए एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है। और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस प्लस रहेगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, लेकिन कॉस में अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, टेन में यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, लेकिन नीचे वाला साइन उल्टा रहेगा, ठीक है। तो ये इस पर हम बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, LHS लेके चलेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा फोर्थ नंबर। अब फिफ्थ देख लेते हैं फटाफट, तो फिफ्थ में देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस 4/5 स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर यानी 12/13 स्क्वायर 13, ठीक है। ये सॉल्व कीजिए, कॉस इनवर्स 12 4 48 अपॉन 13 5 65 माइनस रूट अंडर 25 - 16 अपॉन 25, फिर से रूट अंडर 169 माइनस 144 अपॉन 169, ऐसा हो गया, ठीक है। ये इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 - 16 9, 9 का रूट 3 3/5 इंटू, इसे माइनस कर देंगे 25 25 का स्क्वायर 5/13, ये हो गया कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3 5 15/65, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आइए बाकी के बचे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये देखिए आरजेएस हमको साइन के टर्म में लाना है, तो इधर भी दोनों साइन साइन में कर लीजिए, क्योंकि हमारा साइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स 12/13 चेंज कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स 12/13 को मैं एक्स मान लेता हूँ, यानी कॉस एक्स इक्व टू क्या हो गया 12/13, यानी ये बेस होता है ये हाइपोटेनस होता है, इससे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन एक्स जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, इससे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 5/13। अब आप कहेंगे एक्स ही क्यों रखते हैं, ये देखिए एक्स की वैल्यू इसके बराबर,
एक्स की वैल्यू इसके बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इसे कॉस इन्वर्स 12/13 को लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स 5/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5। इसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है साइन इन्वर्स एक्स, एक्स हो गया 5/13 इंटू रूट अंडर 1 - y² 1 - 3/5² प्लस वाई, वाई का मतलब 3/5 इंटू रूट अंडर 1 - x². ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा साइन इन्वर्स 5/3, ये 15 25 - 9 16 का स्क्वायर रूट 4/5 प्लस 3/5 इंटू 13² - 5² यानी 12 आ जाएगा अपॉन 13। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, साइन इन्वर्स कितना हो जाएगा, चलिए इसे काट देते हैं, 4/3 प्लस ये कोई नहीं कटने भारतीय 36/13 = 65। ठीक है, ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, 4/3 ठीक है, 5/3 6 ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, साइन इन्वर्स अब इसे 65 जितना भी मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा 3 × 65, शायद 3 से ऊपर वाले टर्म्स कट जाएंगे, जो भी आएंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे इस तरह सारे चीज़। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। अच्छा 6 तो हो गया, अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गया लगता है, यहाँ पे 5/13 होना था, यहाँ 13 होगा, यहाँ भी 13 आ जाएगा, अब करेंगे आ जाएगा, तो एलसीएम आएगा 65 ही आएगा आपका। ठीक है, तो 13 5 + 65 5 4 + 20 प्लस 36, अब 20 + 36 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब 7th नंबर क्वेश्चन में देखिए, हमको रिजल्ट लाना है टेन इन्वर्स में और ये दोनों साइन और कॉस में। तो अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा, मैं इतना वैल्यू फाइंड नहीं करूँगा और सीधा वैल्यू लिख दिया करूँगा। आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखते होंगे। ठीक है, तो ये 6 तो हो गया हमारा, अब तो 7 कर देते हैं, RHS लेके चलते हैं। RHS क्या होगा, साइन इन्वर्स 5/13 प्लस कॉस इन्वर्स 3/5। तो ये बताइए ज़रा क्या होगा, टेन इन्वर्स 5/12 प्लस टेन इन्वर्स 4/3। इसमें देखिए परपेंडिकुलर, इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 5, बेस होगा 12 और हाइपोटेनस होगा 13, और इसका परपेंडिकुलर होगा 4, बेस आ जाएगा 3 और हाइपोटेनस हो जाएगा 5। तो ये मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे। अब इसमें टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये तो आप लोगों को मालूम है, आसानी से कर सकते हैं। टेन इन्वर्स 5/12 प्लस 4/3 / 1 - 5/12 × 4/3। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ये वाला 60 ये आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, खुद से करेंगे। इसमें चलिए करते हैं, इन दोनों को पहले एक पेयर बनाते हैं, इन दोनों का एक पेयर बनाते हैं LHS के हिसाब से। टेन इन्वर्स 1/5 प्लस 1/7 / 1 - 1/5 × 1/7। इन दोनों को हो गया सॉल्व, अब इन दोनों को कर दीजिए, प्लस टेन इन्वर्स 1/3 प्लस 1/8 ठीक है 1 - 1/3 × 1/8 ऐसा हो गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, टेन इन्वर्स 7 × 5 = 12 / 35 माइनस 7 × 35 - 1 7 × 35 - 1 = 34/35 प्लस टेन इन्वर्स 8 × 3 = 11 / 8 = 24 फिर 8 × 24 - 1 = 23/24 ये 24 कैंसिल, 35 कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच गया, 12/34 काट सकते हैं, 6/17 तो टेन इन्वर्स 6/17 प्लस टेन इन्वर्स ये कितना हो जाएगा, 11/23। ठीक है, फिर से लगाइए टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का, टेन इन्वर्स
अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे ना, इसे सॉल्व करते जाएंगे, टेन इन्वर्स 1 आ जाएगा। टेन इन्वर्स देखिए, 23 छके कितना होता है, 6 3 18, 8 5 1, 6 2 12, 138 प्लस 11 को 17 से गुना करेंगे, 7 7 1 8 1 187 अपॉन 23 गुना 17 जो भी है, इसे क्यों करना, मुझे नहीं करना, ये तो कट ही जाएगा। 23 गुना 17, अच्छा करना ही पड़ेगा, 17 3 51 1 बाकी 5, 17 दूनी 34, 35 36 37 38 39 40 40 39 माइनस 11 6 66 अपॉन 23 गुना 17, तो ये तो कट गया। अब ये देखिए कितना होगा, 10 इन्वर्स 8 7 15 5 बाकी 1, 3 1 4 8 4 12 2 बाकी 1, 1 1 2 1 3, 325 इसे माइनस कीजिए ज़रा, ये भी 325 आ गया, तो कट फट के 1 आ गया, यानी कि 10 इन्वर्स 1, और 10 इन्वर्स 1 होता है पाई बाय 4। ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं, जो आज के दिन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तो इसमें RHS को लेके चलते हैं। RHS क्या, 1 अपॉन 2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए x बराबर कुछ मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। क्यों मानेंगे टेन स्क्वायर थीटा, अभी हमको रीज़न इसका पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला एक होता है, ज़रा समझ लीजिए, कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी तरह टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसे याद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 1 अपॉन 2 कॉस इन्वर्स ये होता है कॉस 2 थीटा, क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा, तो सिर्फ बचेगा 2 थीटा, 1 अपॉन 2 इंटू 2 थीटा, यानी कि सिर्फ थीटा बचा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, हमने क्या माना था, यहाँ से स्क्वायर पहले इधर कीजिए, तो रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स रूट एक्स, तो ये यानी कि थीटा की वैल्यू हो गया टेन इन्वर्स रूट एक्स। यही तो हमें LHS लाना था, ये हो गया हमारा LHS। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब ये लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें चलिए कुछ क्वेश्चन कुछ जगह बनाने होंगे, फिर देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इससे पहले कुछ समझ लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा। क्या इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। और साइन थीटा को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाय 2, अच्छा थीटा बाय 2 यहाँ भी कर देते हैं और यहाँ भी थीटा बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा बाय 2 आ रहा है, इंटू कॉस थीटा बाय 2 ऐसा कह सकते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ साइन थीटा कर दूँ सिर्फ, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। ये सब 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ माइनस हो जाता। तो अब इसमें हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं, तो LHS में देखते हैं क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस रूट अंडर कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आएगा, क्या आएगा नीचे, कॉस थीटा बाय 2 रूट अंडर कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, फिर माइनस रूट अंडर कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। सभी से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, सभी से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही इसको एक्स बाई टू लाना, चलिए इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है हमें, एक्स बाई टू लाना है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, फिर प्लस कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, फिर नीचे क्या होगा, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू माइनस, यहाँ यहाँ माइनस करें तो ये माइनस कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा बाई टू। तो यहाँ से कॉस थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, टू कॉस टू थीटा बाई टू, यानी कि कॉट इनवर्स टू कॉस थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू, ये टू टू कट गया, क्या बचेगा, क्या बचेगा ज़रा देखिए, ये बच गया कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई टू, यानी कि सिर्फ क्या बचा थीटा बाई टू, यही थीटा तो हमारा एक्स था, तो थीटा बाई टू लिख लीजिए या एक्स बाई टू लिख लीजिए, एक ही बात है, आप इस सब में थीटा को एक्स में रिप्लेस कर देंगे तो एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो या तो थीटा बाई टू लिख लीजिए या तो एक्स बाई टू लिख लीजिए। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें एक्स की जगह मान लेते लेट एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मानने से क्या फ़ायदा हो जाएगा ज़रा ये भी समझ लीजिए। अच्छा, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है ज़रा ये बताइए, यहाँ लिखता हूँ मैं, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, ये देखिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, माइनस वन को इधर कर दीजिए, वन प्लस कॉस टू थीटा जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो वन प्लस कॉस टू थीटा जो होगा, वन प्लस कॉस टू थीटा जो होगा, यहाँ लिखते हैं टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस रूट अंडर वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर तो आराम से मान लेते हैं, मैं इसे कैसे सपोज करूं? तो इसे सपोज करने का सबसे आसान सा तरीका है, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ये मानने वगैरह का सिस्टम जो है ना अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सपोजिंग करना समझना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस पर रूट लगा हुआ है तो रूट टू हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा रूट टू साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, रूट टू कैंसिल लेके काट देंगे और सभी में कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर नीचे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया टेन इनवर्स, ये वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, याद होगा मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। अब इस वन को रिप्लेस कर लीजिए, टेन इनवर्स कैसे रिप्लेस करेंगे, टेन पाई बाय फोर में, पहला वाला वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस, इसके साथ वन इंटू में लिख लीजिए, इस वन को क्या कहेंगे, टेन पाई बाय फोर कहेंगे, इंटू टेन थीटा, ठीक है। ये देखिए टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है टेन ए माइनस बी, टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, टेन टू टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाय फोर माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पाई बाय फोर माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, तो ऐसा ही है, और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या होगा कॉस को इधर शिफ्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू थीटा, ठीक है। तो एक्स थीटा के, और यहाँ थीटा है ना, इन सब में थीटा थीटा हो जाएगा, तो थीटा लिख दीजिए यहाँ पर, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से थीटा हो जाएगा वन अपॉन टू
कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू लिख दीजिए माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स, यही तो हमको RHS लाना था, ये हो गया RHS प्रूफ्ड। तो ये आज के दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 2-3 बार आ चुका है, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें हमारे कुछ आसान आसान से 6-7 क्वेश्चन बच गए हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूँगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।